एक ओर जहां देश भर में क्रिकेट विश्व कप का खुमार है, तो वहीं अगले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी उत्साह है। क्रिकेट और राम मंदिर भारत के लिहाज से काफी अहम माने जाते हैं। हालांकि क्रिकेट और राम मंदिर के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन राम मंदिर पर एक पूर्व क्रिकेटर के बयान से बवाल मच गया है। ये पूर्व क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के जावेद मियादाद, जो कभी क्रिकेट के हुनर से मैदान में बवाल मचाते थे और अब अपने जहरीले बयानों से बवाल मचा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियादाद ने अयोध्या के राम मंदिर पर एक विवादित टिप्पणी की है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मियादाद जहर उगलते हुए कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, एक मस्जिद को मंदिर में बदल दिया। मेरा मानना है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बनकर निकलेगा, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा वहीं रहती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन लोग समझ नहीं पाएंगे कि असल में सही है। सोशल मीडिया पर चल रहा पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का वीडियो 3 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब जमकर वायरल हो रहा है, वो भी तब जब करीब 2 महीने बाद राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में ये वीडियो अभी आगे और गदर मचाने वाला है। बता दें कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी। मंदिर का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और इसका प्रतिष्ठा समारोह अगले साल 22 जनवरी को तय किया गया है और ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके उद्घाटन के लिए आमंत्रित भी किया है।